Good morning, students of class 2. So today we are going to start the 10th chapter of EVS, that is different animals. There is a large variety of animals in the world. हमारे वर्ल्ड में कई वेराइटीज़ के एनिमल्स हैं. सम ऑफ देम आर बिग वाइल्ड, सम आर स्मॉल. उनमें से कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं. सम आर फाउंड इन आर हाउसेज वाइल्ड सम लिव इन फॉरेस्ट. कुछ तो आप अपने घर में ही देखते हो और कुछ आपको कहाँ कुछ कहाँ दिखते हैं, फॉरेस्ट में. कहाँ पे रहते हैं वो लोग? फॉरेस्ट. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एनिमल्स. अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर. एनिमल्स जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं. दे आर फाउंड ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर. वो लैंड पे भी पाए जाते हैं, वाटर में भी और एयर में. वी कैन क्लासीफाई द एनिमल्स इंटू थ्री ग्रुप्स. अब एनिमल्स जो हैं उनको हम तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक मीन्स हाउस होल्ड, और यू कैन से दोज विच वी कैन डोमेस्टिकेट. जिनको हम पाल भी सकते हैं तो उनको हम बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. देन वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जैसे होते हैं. देन वी हैव थर्ड इज वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स. नाउ एनिमल्स दैट हेल्प अस इन आर वर्क एंड प्रोवाइड अस यूजफुल थिंग्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स और फार्म एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि हेल्प करते हैं हमारे हमें हमारे वर्क में, और यू कैन से प्रोवाइड कराते हैं हमें कुछ यूज़फुल चीज़ें, उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल. या आप उनको फार्म एनिमल्स भी बोल सकते हैं. नाउ सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दे हैव गिवन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. वी कीप और सम एनिमल्स विद अस इन आर होम्स. हम कुछ एनिमल्स को अपने घर में भी रखते हैं. वी लव देम एंड प्ले विद देम. हम उनके साथ खेलते हैं, बहुत प्यार करते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स. सी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ पेट एनिमल्स. लाइक वी हैव कैट, देन वी हैव डॉग, पैरेट, रैबिट, फिश एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या हैं? पेट एनिमल्स. नेक्स्ट वी हैव वाइल्ड एनिमल्स. सी दीज ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स. नाउ सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. They live there in natural shelters like dens, caves, bushes and under trees. तो वो कहाँ पर रहते हैं? Natural shelters में, जैसे कि dens हो गए, caves, bushes और कुछ लोग कुछ trees के नीचे भी. Some of them eat grass and leaves of trees. उनमें से कुछ क्या खाते हैं? Grass खाते हैं और trees की जो leaves होती हैं उनको खाते हैं. Other animals eat flesh of smaller animals. कुछ animals उनमें से ऐसे होते हैं जो कि छोटे एनिमल्स की फ्लैश खाते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर जो होते हैं. वी कैन ऑल्सो सी वाइल्ड एनिमल्स इन अ जू. हम वाइल्ड एनिमल्स को और भी कहाँ देख सकते हैं? जू में. नाउ कम टू दिस इन्फोबाइट्स. द टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल. तो हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर. नेक्स्ट कम टू वाटर एनिमल्स. देर आर मैनी एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में रहते हैं. फिश, क्रोकोडाइल, व्हेल, ऑक्टोपस, क्रैब्स, फ्रॉग्स, पेंगुइन्स, टर्टल्स एंड सील्स लिव इन वाटर. तो ये सारे एनिमल्स जो होते हैं कहाँ रहते हैं? वाटर में, पानी में. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स भी बोलते हैं. नाउ कम टू दिस इन्फोबाइट. सी हॉर्स इज अ काइंड ऑफ फिश एंड नॉट अ हॉर्स. सी हॉर्स जो होता है ये एक तरह की फिश होती है, ना कि हॉर्स. कम टू दिस अनदर इन्फोबाइट. अ क्रोकोडाइल कैन नीदर मूव इट्स टंग नॉट च्यू इट्स फूड. क्रोकोडाइल जो है वो ना तो अपनी टंग को मूव कर सकते हैं और ना ही फूड को च्यू कर सकते हैं. हाउएवर सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस. क्लियर? तो एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी. लाइक टर्टल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, पेंगुइन एंड राइनोस आर एम्फीबियंस. तो ये सारे क्या हैं? एम्फीबियंस. सी चिल्ड्रन, दीज ऑल आर वाटर एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स. दे आर ऑफन कॉल्ड क्रीपी क्रॉलीज. इनको हम क्रीपी क्रॉलीज भी बोलते हैं क्योंकि कुछ कुछ उसमें रेंगते भी हैं. दे कैन क्रॉल, फ्लाई एंड स्टिंग.
ये क्रॉल भी कर सकते हैं, मींस रिंग रिंग के चलना, फ्लाई उड़ना उड़ के, या फिर स्टिंग करके। बटरफ्लाई, मस्कीटो, बीटल, हनी बी, वास्प, एंट, लेडी बर्ड एंड ग्रास हॉपर आर सम इंसेक्ट्स। तो ये कुछ को ये क्या है, इंसेक्ट्स है, लाइक बटरफ्लाई हो गए, सी दिस बटरफ्लाई, देन मस्कीटो हो गए, ओके सी द मस्कीटो, देन वी हैव बीटल हो गई, ओके एंड डिफरेंट काइंड। ये सब क्या है बेसिकली, अब छोटे छोटे इंसेक्ट्स। नाउ दे लिव अंडर द सॉइल और अराउंड आर हाउसेस। ये कहाँ रहते हैं, या तो सॉइल के अंडर या फिर हमारे घर के आसपास। सी दीज ऑल आर द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वे, बर्ड्स हैव विंग्स एंड दे कैन फ्लाई। बर्ड्स जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। दे मेक नेस्ट टू रेस्ट एंड ले एग्स। बर्ड्स जो होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं और रेस्ट करने के लिए और एग्स को ले करने के लिए। पीजन्स, स्पैरोज, पिकॉक्स, पैरट्स, काइट, वुडपेकर्स, क्रेन्स, क्रोज, कोयल्स एंड वल्चर्स आर कॉमन बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। ये कुछ कॉमन बर्ड्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, इंडिया में। नेक्स्ट वी हैव एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। सी एंडेंजर्ड मीन्स एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मीन जिसका जिनका अस्तित्व खतरे में हो, लाइक दैट। सो देर आर हैड बीन मैनी मोर एनिमल्स अ लॉन्ग टाइम अगो। कहीं बहुत पहले टाइम क्या था, कई एनिमल्स थे बट वी कैन नॉट सी देम एनी मोर, लेकिन आज के टाइम में हम उनको नहीं देख सकते हैं। दीज एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स, क्योंकि ये एनिमल्स है ही नहीं, लाइक सी द पिक्चर ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, डायनासोर, डोडो, तो ये ख़त्म हो चुके हैं, अब ये है ही नहीं। देयर आर ऑल्सो सम एनिमल्स दैट विल बिकम एक्सटिंक्ट इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट देम। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि एक्सटिंक्ट ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उन्हें ना प्रोटेक्ट करें। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड। सी लाइक वेल, टाइगर, ये क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल्स। सो चिल्ड्रन, गो थ्रू दिस चैप्टर वंस एंड थैंक यू चिल्ड्रन।